नमस्कार दोस्तों, द खबरदार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम कुशवाहा आपको आज की कुछ नवीन सूचनाओं और समाचारों से अवगत कराऊंगा। जानने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। इंदौर में बेटे की लाश लेकर रात भर भटकता रहा पिता। इंदौर के नजदीक बायग्राम में दो बच्चों की मौत ने एक पिता को दर्द में ऐसा झकझोर दिया कि वह बड़े बेटे का शव लिए पूरी रात घूमता रहा। तो बेटे का शव को कभी हिलाता, कभी सिर पर हाथ फेरता, कभी नाक के यहाँ हाथ रखकर सांसें देखता, कभी कान छाती पर रखकर धड़कने सुनने की कोशिश करता रहा। मृत बच्चे का इलाज कराने तीन डॉक्टरों के पास गया। वो अस्पताल दिखाया सर, दवा गोली दिली 10 बजे दिन की बात, दवा गोली दिली दिन सर। फिर मैंने प्राइवेट गाड़ी करके उस बच्चे को लेके और सभी बच्चों को मतलब पूरे परिवार को लेके चले गए। तीनों बच्चों की फिर तबियत बढ़वा लेके गया, तीनों को नहीं, वो एक बच्चे को जिसकी ज़्यादा उसकी ज़्यादा तबियत खराब थी उस समय। तो फिर वो बच्चे की उस समय ज़्यादा तबियत सबसे ज़्यादा उसको वहाँ पर मरते हुए। मोबाइल से बात करते हुए चौथी मंजिल से गिरा चैंपियन। इंदौर के भवरकुआ इलाके में बहुमंजिला इमारत की चौथी मंजिल से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वह मोबाइल पर बात कर रहा था, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे आ गिरा। साथी उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कारण डैम फूटने के मामले में 8 इंजीनियर सस्पेंड। धार के कारण डैम फूटने के 15 दिन बाद सरकार ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने वाले जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। शुक्रवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी निर्माण एजेंसी और सरकार की जांच पर सवाल उठाया था। इसके बाद शाम को सरकार ने कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले बाद निर्माण से जुड़ी कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया जा चुका है। एमपी के श्रद्धालुओं से भरी बस हिमाचल प्रदेश में पलटी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के 34 श्रद्धालुओं से भरी बस हिमाचल प्रदेश में पलट गई। हादसे में 11 लोग घायल हो गए, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। सभी यात्री हिमालय के चिंतपूर्णी माता मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा शुक्रवार को अम्ब उपमंडल के मुबारकपुर के पास हुआ। एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए जरूरी खबर। माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड द्वारा आयोजित डीएलएड के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। मंडल ने बारिश के कारण परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को जिलों में ही परीक्षा दिए जाने का ऑप्शन दिया है। डीएलएड का वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा 7 सितंबर से 28 सितंबर तक होगी। खरगोन में महेश्वर बांध के गेट टूटने का खतरा। खरगोन में नर्मदा नदी पर बने महेश्वर बांध के गेट टूट कर गिरने की आशंका जताई जा रही है, होने से 2-3 गांव प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। इसमें बाद को लेकर खतरा बढ़ता दिख रहा है। अलग नए सिस्टम से इंदौर उज्जैन संभाग समेत अन्य जगह रिमझिम बारिश होगी। 25 साल बाद मुरैना में आई भीषण बाढ़। 1996 में दिखा था समंजर, मुरैना में इस बार आई बाढ़ पूरे 25 साल बाद आई है। पिछले साल भी बाढ़ आई थी, लेकिन उसका जलस्तर 144 से ऊपर नहीं बढ़ सका था। इस बार बाढ़ का जलस्तर 146.50 मीटर तक चला गया है। घाट पर पुराने पुल की शुरुआत में बना शिव जी का मंदिर 1996 में डूबा था और अब जाकर इस बार डूबा है। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में शुक्रवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 438 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करके गंभीर रोगियों के प्राण बचाने के लिए रक्तदान महादान किया। संभागायुक्त अनिल सुचारी ने रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को प्रमाण पत्र दिए। दिल्ली में बाढ़ के बाद की स्थिति। फिल्टर प्लांट से उतरा पानी आधे शहर में कल से हो सकती है सप्लाई। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से 3-4 दिन पूरा फिल्टर प्लांट पानी में डूबा हुआ था। बेतवा नदी का पानी कम होने के बाद फिल्टर प्लांट तक शुक्रवार को नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी पहुंच सके। उन्होंने फिल्टर प्लांट का हाल देखा और साफ सफाई शुरू करवाई। बैतूल के युवक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 49 मिनट 5 सेकंड में बांधा 128 मीटर लंबा और 2.60 मीटर चौड़ा साफा। गिनीज बुक के लिए किया अप्लाई। बैतूल में एक युवक ने दुनिया का सबसे लंबा साफा बांधने का रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी प्रविष्टि भेज दी गई है, जिसे जल्द ही अप्रूवल मिलने की संभावना है। वकील आदित्य पंचोली ने 300 वर्ग मीटर की इस पगड़ी को महज 49 मिनट 5 सेकंड में बांधा। इसके अलावा उन्होंने सबसे तेज साफा बांधने का भी रिकॉर्ड बनाया है। और इसके साथ ही मेरी तरफ से दी जाने वाली आज की सूचनाएं और समाचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।